हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फेसबुक में अपने किए हुए पोस्ट को डिलीट कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक के ऊपर कोई भी फोटोज़ को अपलोड कर दिए हो गलती से, या फिर आपने जानबूझ के कोई फोटो अपलोड किया है, कोई वीडियो अपलोड किया है और अब आप उसे डिलीट करना चाहते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी फेसबुक पे किस तरह से अपलोड किए हुए फोटो को डिलीट करना है ये नहीं आता है। तो नहीं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फेसबुक में अपलोड किए हुए फोटो या फिर वीडियो या फिर कोई भी पोस्ट को किस तरह से डिलीट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बिना देरी के उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए रोज लेके आता रहता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मोबाइल से रिलेटेड, व्हाट्सअप से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हो मैं आ गया अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से फेसबुक में पोस्ट, फोटो या फिर वीडियो को आपको डिलीट करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका फेसबुक दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखेगा, इस प्रोफाइल आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जितना सारा पोस्ट रहेगा वो आपके सामने में खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अब उस पोस्ट को ढूंढ लेना है या फिर उस फोटो को ढूंढ लेना है जिस फोटो को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मान लीजिए मेरा ये फ़ोटो है, यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए मेरा ये पोस्ट तो नहीं है, मैं आपको अपना ये वाला अपना एक पोस्ट दिखा देता हूँ। चलिए, मैंने अपने दोस्त का एक बर्थडे विश किया था, इसी पोस्ट को मुझे डिलीट करना है या फिर इस फोटो को मुझे डिलीट करना है अपने फेसबुक अकाउंट से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, थ्री डॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। थ्री डॉट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव टू ट्रैश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मूव के ट्रैश के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मूव पे क्लिक कर देना है। अब मूव पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये फोटो जो है, ये पोस्ट जो है वो हाइड हो जाएगा, ये पोस्ट या फिर ये फोटो आपको दिखाई नहीं देगा या फिर किसी भी पर्सन को दिखाई नहीं देगा। एक बार मैं रिफ्रेश मार देता हूँ, यहाँ से मैं इस तरह से इसे एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ। रिफ्रेश मारने के बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वो फ़ोटो या फिर वो पोस्ट अब हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो पोस्ट या फिर वो फ़ोटो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप किसी भी पोस्ट या फिर फ़ोटो या फिर वीडियो को डिलीट कर सकते हो फेसबुक से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फेसबुक में किसी भी पोस्ट को, फोटो को या फिर वीडियो को आप डिलीट कर सकते हो परमानेंटली। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी फेसबुक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।